ये है सुजुकी एक्सेस 125 का इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल। यदि आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेहतर स्कूटर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आपको इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये स्कूटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से 125 सीसी के सेगमेंट के एक स्कूटर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इस स्कूटर का कर्व वेट है 104 kg और इस स्कूटर में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का मिलता है। इसकी ओवरऑल लेंथ है 1870 mm, विड्थ है 690 mm, हाइट है 1160 mm, व्हील बेस है 1265 mm का और इसकी सीट हाइट है 773 mm की। आइए अब इसका वॉक अराउंड करते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हो। ये इस स्कूटर का आइस ग्रीन कलर है, जिसमें ये स्कूटर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है। आइए फ्रंट में आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी हेडलाइट का शेप कुछ इस तरीके का है, जिसको कंपनी ने क्रोम से कवर किया है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये देखिए, ये इसका लो बीम है, हाई बीम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, स्कूटर स्टार्ट हो या ना हो, आप इसकी हेडलाइट को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। ORVM आपको इसमें क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पर सुजुकी का 3D में लोगो मिलता है। आइस ग्रीन कलर बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हैलोजन बल्ब के साथ में साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर्स भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट आपको डुअल टोन में मिलता है, व्हाइट एंड आइस ग्रीन। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन को जिस तरीके का है, यह आपको डुअल टोन में मिलता है। इस स्कूटर में आपको 12 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न को जिस तरीके का है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो फ्रंट में आपको सीएट कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो की है 90-90-12। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। आइए बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। इस स्कूटर में आपको CBS मिलता है, इसका मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में आपको 120 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि निशिन ब्रेकिंग सिस्टम है। पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिलता है, ये देखिए। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर स्टोरेज मिलती है और यहाँ पर आपको एक USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन रख लीजिए। फिक्स हैंगिंग हुक मिलता है सीट के नीचे, यहाँ पर आपको एक हैंगिंग हुक मिलता है। यहाँ पर इसका इग्निशन है, ये देखिए। इस स्कूटर के साथ में आपको दो चाबियाँ मिलती हैं, जिनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, नॉर्मल चाबियाँ हैं। इग्निशन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ही इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं। इस एंगल से मैं आपको इसके हैंडल और ORVM के डिज़ाइन को दिखाता हूँ। आइए इसके सभी फीचर बटन देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है और इसके राइट हैंडल पर इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच मिलता है और सेल्फ स्टार्ट का भी स्विच मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है, कुछ इस तरीके से होती है। इस स्कूटर में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है और यहाँ पर साइड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। इस स्कूटर की सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है राइडर और प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। 10 ब्राउन कलर की इसकी सीट है। ग्रैबरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, यह आपको सॉलिड मेटल का मिलता है, जो कि ग्रे कलर में है। कंपनी फिटेड साइड स्टैंड भी मिलता है और सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिलियन फुटरेस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है, ये आपको फोल्डेबल मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, कंपनी ने एक्सेस 125 को मेंशन किया है, जो कि इसके लुक को वाकई में काफी ज्यादा एनहेंस कर रहा है। यहाँ पर राइड कनेक्ट एडिशन को मेंशन किया है। इस स्कूटर में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, ये देखिए काफी जबरदस्त ये लग रहा है। कंपनी फिटेड आपको इसमें लेडी फुटरेस्ट भी मिलता है। आइए गाइस, अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस स्कूटर की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इस स्कूटर के इंजन की। इस स्कूटर में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल BS6 FI
4 स्ट्रोक 2 वाल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.6 bhp की 6750 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर का 5500 rpm पर। इसके इंजन से आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और इसी के साथ साथ माइलेज भी काफी ठीक ठाक मिल जाता है। और इस स्कूटर में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी ने सुजुकी को मेंशन किया है। आइए बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इस स्कूटर में आपको CBS मिलता है। इसका मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में आपको 120 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। आइए बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको सीएट कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो की है 90-110। रियर व्हील में आपको 10 इंचेस का एलॉय व्हील मिलता है और फ्रंट व्हील में आपको 12 इंचेस का एलॉय व्हील मिलता है। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। रियर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, टेल लाइट ऑन है, साइड टर्न इंडिकेटर ऑन है। टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। इस स्कूटर में आपको 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहां से आप इसके फ्यूल कैप को ओपन कर सकते हो चाबी लगाकर। इस स्कूटर के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। इसके लुक को वाकई में काफी ज्यादा एनहेंस कर रहा है। यहां पर कंपनी ने सुजुकी इको परफॉर्मेंस को मेंशन किया है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह स्कूटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर दिखाता हूँ, इंजन साउंड सुनाता हूँ और आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे LED DRL मिलते हैं दोनों साइड में, वो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। हेडलाइट को आप लो बीम हाई बीम में भी कर सकते हैं, चाहे स्कूटर स्टार्ट हो या फिर ना हो। साइड टर्न इंडिकेटर्स में आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। गाइस, इस वाले में अभी पेट्रोल नहीं है, इसी का ही दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आइए मैं आपको इसका इंजन साउंड सुनाता हूँ। इंजन साउंड दोनों का ही सेम रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं किया है कंपनी ने। सिंगल प्रेस में स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। इंजन साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा RDV सुजुकी को, जिन्होंने यह स्कूटर मुझे प्रोवाइड किया है। इनका ये शोरूम दिल्ली में ओखला में अवेलेबल है। यदि आपको सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सुजुकी के सभी प्रोडक्ट्स ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर और इनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप यह वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहां जाकर आप जरूर बताएं कि आप टेक्निकल SST YouTube चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस स्कूटर की प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन्स, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। सुजुकी कंपनी अपने इस नए स्कूटर पर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 24,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो आप इस स्कूटर से मैक्सिमम 50 तक का माइलेज निकाल सकते हैं। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपके स्कूटर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस स्कूटर की प्राइस की। गाइस, इस स्कूटर में मल्टीपल वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी की अलग अलग प्राइसेस हैं। ये इसका टॉप मॉडल है। यह स्कूटर आपको ऑन रोड लगभग 98,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। आप प्लस माइनस 2-3 हजार रुपए लेकर चल सकते हो, क्योंकि प्राइस जो है हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की अलग अलग होती है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस स्कूटर के प्रोस एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोस की। गाइस, इसका जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़बरदस्त लगा है और इसका ये जो कलर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एडिशनल फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है और ये स्कूटर काफ़ी प्रीमियम लगता है। कॉन की अगर बात की जाए तो कोई इसमें ऐसे मेजर कॉन नहीं है, जो कि मैं आपको बता दूं कि भाई इसका ये एक मेजर कॉन है। ये स्कूटर परफेक्ट है। इस स्कूटर का बहुत ही जल्द राइडिंग रिव्यू आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये स्कूटर 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो टेक्निकल SST इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद,
वंदे मातरम।